Hi friends, welcome to yet another Lead Coding Blog. Without wasting much time, let's jump into today's coding session and see what's the challenge for us today. Yeah. Hi friends, I'm back from my Lead Coding session. And आज का जो क्वेश्चन था उसका नाम था मेजॉरिटी एलिमेंट. तो बात ये है कि ये एक्सेप्टेड तो पहली बार भी हो गया लेकिन वो सॉल्यूशन मेरे को अच्छा नहीं लगा. मैं डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन है क्या. मेजॉरिटी एलिमेंट एक इजी टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है. आपको बस इतना बताना है कि आपको ये कैरे के एलिमेंट दिए गए हैं और जो एलिमेंट एन बाई टू के काउंट से ज़्यादा ऑफर हो रहा है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है. तो प्रॉब्लम तो सिंपल है, आप बहुत तरीके से कर सकते हो. मैं लेकिन सीधे लीनियर पे जंप करता हूँ. एन लॉग एन वाले तरीके हैं, ब्रूट फोर्स वाले तरीके हैं, उसको छोड़ दीजिए. एक है कि भाई हैश मैप ले लो, हैश मैप के अंदर सारे काउंट करते जाओ एलिमेंट, और जैसे ही किसी भी एक एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट होगा अगर उसका काउंट एन बाई टू, यानी कि वेयर एन इज अ लेंथ ऑफ एरे उससे ज्यादा है, तो कोई एक ही एलिमेंट हो सकता है. तो अगर उसका काउंट हैश मैप में ज्यादा हो जाता है एन बाई टू से, आप रिटर्न कर दीजिए एली को, वही आंसर होगा. तो ये तो हो गया एक्सेप्टेड है ना, और चल भी गया. तो ये ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी का है, तो दिस इज फाइन. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो आप मान लेते हैं ओ ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एन एलिमेंट्स हैं तो आप स्पेस भी काइंड ऑफ ओ ऑफ एन ही ले रहे हो. मतलब एन तो नहीं ले रहे हो, एन से कम लोगे क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, बट लेट्स से सम ओ ऑफ के, वेयर के इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, और काउंट भी स्टोर करोगे तो फिर वो काइंड ऑफ बराबर ही हो जाता है. तो एनीवे, तो ये झंझट था जो मेरे को दिखा. और इस क्वेश्चन के जो फॉलोअप टैग में भी जो चीज़ पूछी गई है वो यही पूछी गई है, कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड इन ओवन स्पेस. तो मैं तो नहीं कर पाया, सीधी सी बात, नो बकवास. हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया क्या चल रहा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मैं जिससे अपने एरे के अंदर ऑफसेट डिसाइड कर सकूँ. लाइक ये अप्रोच आप इग्नोर करिएगा, मैं खाली जस्ट बताने के लिए कि मैं क्या सोच रहा था वो बता रहा हूँ. तो जैसे आपको 3, 2, 3 दिया गया, मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा था कि मैं इस एरे के अंदर ही इन एलिमेंट्स का काउंट स्टोर कर सकूं. लाइक प्रॉब्लम यहाँ पे यही होगी कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है एक्चुअली, नहीं तो मैं क्या कहते हैं कोई ऑफसेट वैल्यू लेके उससे माइनस करके इस एरे में ही एडजस्ट करने की कोशिश करता. लाइक 3 to 3 है तो मान लेते हैं ये इंडेक्स 1 to 3, यानी कि 0, 1, 2 जो है उसमें प्लस 1 करके 1 to 3 की तरीके से अरेंज होता. 1 का काउंट 0 है, 2 का काउंट 1 है, 3 का काउंट 2 है, कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करता, और उसके बाद मेरे को पता लग जाता कि कौन सा एग्जिस्ट करता है. पर वो जो ऑफसेट करके तरीका था वो काफ़ी स्पेशल केसेस में चलता है, यानी कि वो खाली तभी चलता अगर आपके सारे नंबर्स एक्चुअली एरे में बोले होते कि एन की बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, यानी बहुत सारे पॉजिटिव होंगे. तो ये तो चला नहीं, तो ये थिंकिंग प्रोसेस रॉन्ग था. तो फाइनली मैं सोच नहीं पाया ज़्यादा, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो फाइनली मैंने डिस्कशन देखा. सॉल्यूशन मैंने नहीं देखा, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक्चुअली. सॉल्यूशन ना देखने का रीज़न ये है, ब्रूट फोर्स, हैश मैप, सॉर्टिंग, ये सब तो ठीक है. रैंडमाइजेशन भाई, ये मेरे दिमाग से थोड़ा ऊपर जाता है, ये थोड़े हाई लेवल टॉपिक्स हैं भाई. कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कौन लिखता है, वो इन्फिनिटी. एनीवे, अच्छा हाँ, फिर इन्होंने बाइनरी सर्च टाइप भी लगाया जो कि एनालॉग एंड टाइप में जा रहा है. और हाँ, सबसे अच्छा ये है वो इन मूरे वोटिंग एल्गोरिथम. तो ये क्या है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने समझा और ये मैंने डिस्कशन फोरम से समझा है, इनका तो मैंने देखा भी नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या है. ठीक है, तो देखो सिंपल है, अगर क्या कहते हैं कोई एलिमेंट एन बाई टू टाइम से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, इट हैज़ टू कम कंसेक्यूटिव, समझ रहे हो. मतलब कोई भी एलिमेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है वैसे एक्चुअली, लेकिन 3 to 3 जो है मान लेते हैं है ना, तो अगर इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो, या तो 3 to 3 ऐसे डिवाइड होगा है ना, हर एक एक एलिमेंट को अगर डिसाइड करते हैं, या 3 to 3 में डिवाइड होगा, करेक्ट. तो आपको क्या करना है, हर सेगमेंट को काइंड ऑफ काउंट करने की कोशिश करनी है. तो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन ड्राइव करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा. तो आपका एरे है 3, 2, 3, इनिशियली काउंट 0 है और जो मोस्ट एलिमेंट ऑफर हुआ है अभी वो भी 0 है. तो क्या हुआ कि आपने देखा भाई जो काउंट है, क्या वो मेरे जो काउंट है वो 0 है कि 1 है. अगर काउंट 0 होता तो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, सबसे पहले मोस्ट को सेट करेंगे, तो हमारा मोस्ट हो गया 3 और काउंट हो गया 1, क्योंकि ये पहली बार ऑफर हुआ है. तो अब अगली बार आएगा तो वो बोलेगा अब तो काउंट 0 नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, क्या करंट काउंट जो है वो नम्स ऑफ आई के बराबर है कि नहीं है. नाउ दैट इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोस्ट अभी मेरा 3 है और करंट एलिमेंट 2 है, तो वो तो इक्वल हुए नहीं है ना. अगर इक्वल नहीं हुए तो काउंट की वैल्यू हम लोग घटा रहे हैं, तो काउंट माइनस 1 हो गया, काउंट 0 हो गया. पर अभी रुकिए, काउंट 0 हो गया है
पर एक और चीज हुई है कि अभी जो आपका मोस्ट है वो अभी भी 3 है, ठीक है, और 2 पे अपडेट नहीं हुआ है। अगली बार जब 3 आएगा तो वो काउंट बोलेगा काउंट तो अभी 0 है तो इस ब्लॉक के अंदर गया नहीं, करेक्ट, सीधे नीचे वाले काउंट इस ब्लॉक में गया और मोस्ट को उसने दोबारा सेट कर दिया 3 पे जो कि वो ऑलरेडी है, और काउंट को दोबारा 1 कर दिया। लास्ट में अपने मोस्ट को रिटर्न किया वो 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हम कर तो काउंट ही रहे हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस होल आइडियोलॉजी इज आप तब अगर कोई एलिमेंट n बाई 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, ठीक है, मतलब n बाई 2 के n बाई 2 से ज़्यादा टाइम्स ऑकर हो रहा है, यानी कि हाँ n बाई 2 से ज़्यादा टाइम अगर ऑकर हो रहा है तो देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे वो एलिमेंट कंसेक्यूटिव आ सकते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये क्या कर रही है, ये एक्चुअल में 3-2-3-3 ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, क्यों इसीलिए वो इस 3 पे जाके दोबारा 0 पे सेट होगा क्योंकि उसको ये एल्गोरिथम इस तरीके से चल रहा है कहीं ना कहीं ये जो दो एलिमेंट है ये कॉन्सिक्यूटिव आ सकते हैं, करेक्ट। ये 2 के लिए भी वैलिड होता वैसे तो, जैसे इस केस में देख लेते हैं क्या होता है, इस केस में आपको 3 का काउंट 2 मिलता और मोस्ट एलिमेंट 3 ही मिलता। अगर 2 होता, दोनों ही 2 होते, करेक्ट, तो क्या होता आपको 2 का काउंट 3 मिलता। दिस एल्गोरिथम डजंट गारंटी यू द काउंट कि जो काउंट मैं रिटर्न करूंगा वो सही दूंगा कि नहीं दूंगा, ये मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है और वो जिस सेगमेंट में डिवाइड हुआ है उसके हिसाब से काउंट रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। वे मेजर मेरे हिसाब से जो मेजर आइडियोलॉजी बिहाइंड द प्रोग्राम ये रहती है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन एलिमेंट जहां पे कंसेक्यूटिव एलिमेंट ऑकर हो रहे हैं, क्योंकि काउंट हर बार अगर एलिमेंट डिफरेंट होते जाएंगे ना तो क्या होगा, काउंट रीसेट होता जाएगा, प्लस वन हुआ माइनस वन हुआ, प्लस वन हुआ माइनस वन हुआ, कहां पे आपका आंसर एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा जहां पे वो कंसेक्यूटिव दो एलिमेंट आ गए, क्योंकि जनरली उस केस में आपका काउंट 2 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, करेक्ट, 2 पे चला जाएगा। अब अगर कोई अलग एलिमेंट आता भी है तो पहले वो काउंट 1 पे ड्रॉप होगा और आपका मोस्ट रीसेट नहीं होगा। मेजर रीजन मेरे को वो लगता है ये एल्गोरिथम चलने का, काफी सही एल्गोरिथम है, कई एक नई चीज पता लगी आज को कहने का मतलब है, और वो इंडेक्स ऑफसेट वाला थोड़ा गलत हो गया मेरे हिसाब से, मेरे को सोचना चाहिए था कि इसमें चलेगा नहीं, गलत सोच डायरेक्शन में सोच रहा था। एनीवे ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, फास्ट कोडिंग अटैच देख लीजिएगा और मैं आपको कल मिलता हूँ।